बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपने प्रतिनिधि के तौर पर उत्तराधिकारी आकाश आनंद को चुनने के बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम अगर बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम यही कहेंगे कि नए नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी से दूर रहेगा। दूसरी तरफ आपको बताने की कोशिश करें तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर स्टेट प्रवक्ता ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि यह बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का आखिरी काम होगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब अपनी अंत की तरफ बढ़ रही है। क्या कुछ आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, वो आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम बसपा की समाप्ति की तरफ है। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी परिवार में होता है, किसी राजघराने में होता है, राजनीतिक दल में नहीं होता। राजनीतिक दल जनता से बनते हैं, कार्यकर्ता से बनते हैं। पार्टी का अध्यक्ष हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, किसी उत्तराधिकारी से नहीं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे राजवंशों में होता है या मुगलिया संतलत में होता है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी मानेवर काशीराम साहब ने दलितों के एक मिशन के रूप में शुरू की थी, जो कमीशन के में बदली और अब पूरी तरीके से परिवारवाद में डूब गई है। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की आज हालत लगातार खस्ता है। पार्टी के संस्थापक सदस्य पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। आज बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से उत्तराधिकारी घोषित किया है, इस पर स्पष्ट हो गया कि बसपा अब पूरी तरीके से समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राकेश त्रिपाठी का ये स्टेटमेंट है और उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए सही नहीं होगी। और आपको बता दें कि उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जो आज खत्म होने का कारण है, वो यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके जरूर